में शशि रंजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वृषभ राशि अगस्त 2023 कैसा रहेगा इसी की आज हम लोग चर्चा करेंगे। आपकी यह जन्म राशि आपके चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी राशि वृषभ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। अगस्त के महीने में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। सूर्यदेव आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं, मंगल बुध और शुक्र आपके चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं, केतु षष्ठम भाव से गोचर कर रहे हैं और शनि आपके दशम भाव से गोचर कर रहे हैं और राहु और गुरु आपके द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं। अगस्त के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य की अगर बात करें तो ये लगन से प्रथम भाव से देखा जाता है और आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव 7 अगस्त को वक्री हो रहे हैं और तृतीय भाव से गोचर करेंगे और तृतीय भाव अच्छा नहीं माना जाता है कुंडली का और वक्री भी है तो स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। थोड़ा सा बाहर के खाना से परहेज करें और थोड़ा सा आप टेंशन कम लें, थोड़ी सी आपकी तबीयत खराब हो सकती है। अगर संतान की बात करें तो संतान पंचम भाव से देखा जाता है और पंचम भाव के स्वामी बुध आपके चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं तो संतान को लेकर आपके कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव से चतुर्थ 12वां होता है और 12वां घर खर्चे का होता है, विदेश का होता है। आपके बच्चे विदेश भी जा सकते हैं, खर्चा भी हो सकता है, उनकी तबीयत भी थोड़ी बहुत खराब हो सकती है। अगर विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो वो भी पंचम भाव से देखा जाता है और पंचम भाव के स्वामी बुध चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई में थोड़ी मन कम लगेगा, मन डाइवर्ट होगा और कभी कभी मन डाइवर्ट होगा, पढ़ाई में कभी मन भी लगेगी, लेकिन आप डाइवर्ट जब मन करे तो उससे बचें और पढ़ाई में मन लगाएं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर प्रेम प्यार की बात करें तो प्रेम प्यार भी पंचम भाव से देखा जाता है तो 10 अगस्त तक तो प्रेम प्यार बहुत अच्छा है, लेकिन 10 अगस्त से 25 अगस्त के बीच प्रेम प्यार में कन्फ्यूजन आएंगे, आप कन्फ्यूज रहेंगे, मतलब मतभेद होगी, मतलब शक पैदा होगा तो इस तरह का गोचर में स्थिति दिखाई दे रहा है। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो वो सप्तम भाव से देखा जाता है और सप्तम भाव के स्वामी मंगल आपके चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं और उनकी चौथी दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है तो अपनी ही राशि में पड़ रही है, वृश्चिक राशि पर, तो वैवाहिक जीवन तो आपका अच्छा रहेगा, लेकिन आपके लाइफ पार्टनर का काम अगर कुछ कर रहे हैं तो उसमें प्रोग्रेस भी होगा, आपके डेली वेजेस के इनकम में भी वृद्धि होगी, व्यापार में भी आपकी वृद्धि होगी, पार्टनरशिप में कोई काम है तो उसमें भी आपके लिए अच्छा है और वैवाहिक जीवन भी अच्छा है। थोड़ी सी आपका मंगल की चूंकि दृष्टि पड़ रही है तो आपका लाइफ पार्टनर क्रोधित हो सकते हैं, उनका पेशेंस थोड़ी लूज हो सकती है, थोड़ा क्रोध दिखा सकते हैं, थोड़ा झल्ला सकते हैं तो इसका आप ध्यान रखें। अगर भाग्य की बात करें तो भाग्य आपके 9वें भाव से देखा जाता है और 9वें और 10वें भाव जो कर्म और करियर का है दोनों के स्वामी शनि हैं और शनि भी वक्री हैं
और वक्री ग्रह ये घर पीछे भी देखते हैं, आपके भाग्य को भी देख रहे हैं और आपके कर्म को भी देख रहे हैं, और दशम भाव में वो सस नामक राजयोग भी बना रहे हैं। तो आपके अगर किसी की नौकरी नहीं लगी है तो नौकरी मिलेगी, काम बढ़ेगा, करियर अच्छा होगा, बिजनेस है तो बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा। अगर आपका नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी भी आपको बहुत अच्छी चलेगी, आपका बॉस से आपका ट्रेनिंग अच्छा रहेगा। अगर कोई इंक्रीमेंट है या कोई प्रमोशन ड्यू है तो आपका अगस्त के महीने में होने की पूर्ण संभावना है, और भाग्य का भी पूरा साथ आपको मिलने जा रहा है, पिता का भी पूरा सहयोग रहेगा, धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि रहेगी, धार्मिक यात्रा भी आप कर सकते हैं। अगर आपके लाभ डिजायर बड़े भाई बहन की बात करें तो वो एकादश भाव से देखा जाता है, एकादश भाव के स्वामी शुक्रदेव 7 अगस्त को तृतीय भाव में आ जाएंगे तो बकरी हो जाएंगे, तो लाभ थोड़ी कम होगी। आपकी इच्छा जो आप चाहेंगे वो अगस्त में आपकी इच्छा कम होगी, मैंने इच्छा की पूर्ति आपके होने में संभावना कम है, और बड़े भाई बहनों का भी साथ आपको मिलेगा। और अगर आपके धन की बात करें तो धन द्वितीय भाव से देखा जाता है, द्वितीय भाव के स्वामी बुध आपके चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं, उसके बाद पंचम में आएंगे तब भी आपके लिए अच्छा है, धन तो आएगा, भाग्य का साथ भी मिल रहा है, लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे, क्योंकि खर्चे के घर में राहु और गुरु बैठे होंगे, तो ये खर्चा आपका होगा, तो इसीलिए लाभ कम होगा। अगर माता की बात करें तो माता चतुर्थ भाव से देखा जाता है, चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्यदेव 17 अगस्त को आ जाएंगे अपनी राशि में, तो 17 अगस्त के बाद आपके माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता से ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, माने अच्छा रहेगा भर्त रस। भूमि वाहन भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका अच्छा समय है, और कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बशर्ते एक शर्त है कि आप अपनी कुंडली का विवेचन करा कर ही करेंगे, क्योंकि हर प्राणी के हर मनुष्य के कुंडली अलग अलग होती है। जो भी थोड़ी बहुत परेशानी है उसे निजात पाने के लिए आप माता रानी की पूजा करें, शुक्रदेव के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें और उगते हुए सूर्य को जल दें, और शनि के बीज मंत्र का संध्या काल सूर्यास्त के बाद 108 बार जाप करें, जिससे जो भी परेशानी आपकी आएगी उसमें कमी देखने को मिले। अगर आपको वीडियो पसंद है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य पर विराम लगाता हूँ, धन्यवाद।